गाइसेस प्रतिभा उसके संसाधनों पर राज उसी ने किया जिसने अपनी वीरता और शक्ति के बल पर इसे जीता। सिकंदर हो या फिर चंगेज खान, सभी ने अपनी वीरता से ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे विशाल साम्राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका विस्तार पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से पर रहा। तो चलिए जानते हैं। गाइस, अमेरिका की माया सभ्यता को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में गिना जाता है। इस सभ्यता का साम्राज्य 3000 साल पुराना माना जाता है। इस साम्राज्य का उदय ईर्षा से 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। इस पुरानी सभ्यता का केंद्र मेक्सिको, गुवाटेमाला, होडुरस और अल सेल्वाडोर तक फैला हुआ है। इस सभ्यता का अवशेष आज भी पिरामिड के रूप में दिखता है। गाइस, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में फ्रांस साम्राज्य का नाम भी शामिल है। माना जाता है कि एक समय पूरी पृथ्वी का 10% जनसंख्या पर इसका कब्जा था, जिसके कारण ही एक समय फ्रांस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली वाली भाषाओं में से एक थी। फ्रांस के इस राज्य ने अफ्रीका, अमेरिका और एशिया के कई देशों को जीत लिया। 17वीं सदी में फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बनपार्ट फ्रांस का महाराजा बना। इसके शासनकाल में भी फ्रांस के साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। गाइस, ये साम्राज्य दुनिया के बड़े साम्राज्यों में से एक था। इसे अंग्रेजी तथा ग्रीक के एकमेनिड अजीम साम्राज्य कहा जाता है। ये ईर्षा पूर्व 550 से लेकर ईर्षा पूर्व 330 तक प्राचीन फारस, जो अब ईरान है, में फैला हुआ था। इस साम्राज्य ने पश्चिम से यूनान से लेकर पूर्व से सिंधु नदी तक और उत्तर में कैपिसियन सागर से लेकर दक्षिण में अरब सागर तक अपना विस्तार किया था। इस वंश का पतन सिकंदर के आक्रमण से सन 330 ईर्षा पूर्व में हुआ था। गाइस, रोम साम्राज्य को विश्व का सबसे विशाल साम्राज्य माना जाता है। रोम साम्राज्य यूरोप के रोम नगर में केंद्रित था। यह साम्राज्य इतना विशाल था कि इसके भीतर पूरे दक्षिण यूरोप के अलावा उत्तर अफ्रीका और एनातोलिया के क्षेत्र भी शामिल थे। इस साम्राज्य का पतन 5वीं शताब्दी के अंत तक हो गया था। यह साम्राज्य यूरोप के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा। गाइस, 13वीं और 14वीं शताब्दी तक ये दुनिया का सबसे विशाल साम्राज्य था। ये मध्य एशिया से शुरू होकर यूरोप और जापान के सागर से लेकर उत्तर में रूस के साइबेरिया से लेकर भारत के नीचे दक्षिण तक फैला हुआ था। चंगेज खान इस साम्राज्य का शासक था। इसे इतिहास का बेहद क्रूर शासक माना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक ये जब अपने चरम पर था तो 33 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। उस समय पृथ्वी की कुल भूमि क्षेत्रफल 22% इसके कब्जे में थी और इसकी आबादी 100 करोड़ थी। गाइस, ब्रिटिश साम्राज्य को दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। इसकी सीमाएं पूरे यूरोप से लेकर अमेरिका और एशिया तक फैली हुई थीं। कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था। एक समय पूरी दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 1/4 भाग इसके अधीन था, यानी कि कुल मिलाकर 50 करोड़ लोग इसकी प्रजा थी। गाइस, इस ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को 200 साल अपना गुलाम बनाए रखा। गाइस, दुनिया के शुरुआती साम्राज्यों में स्पेन का साम्राज्य को गिना जाता है। इसके अधीन यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशियानिया क्षेत्र आते हैं। इस साम्राज्य के विस्तार का प्रभाव दुनिया के कई मुल्कों की संस्कृति पर भी पड़ा। 600 साल पुराने इस साम्राज्य ने अपनी आर्थिक ताकत के बूते पर पूरी दुनिया पर अपना दबदबा रखा। गाइस, साम्राज्य के बारे में भारत का बच्चा बच्चा जानता है। इसे तुर्की मंगोल का अधिकांश शासन केंद्र भारतीय के उपमहाद्वीपों पर रहा। वर्ष 1526 में शुरू हुआ इस साम्राज्य का विस्तार बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में बलूचिस्तान तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कावेरी घाटी तक। इतिहासकारों का मानना है कि एक समय में ये 40 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इस साम्राज्य की जनसंख्या उस समय करीब 11 से 13 करोड़ के बीच थी। ये साम्राज्य 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत उपमहाद्वीपों में कायम रहा। गाइस, चीन का आखिरी साम्राज्य द किंग था। इस साम्राज्य के बाद चीन रिपब्लिक हो गया। किंग डायनेस्टी की स्थापना मुंच क्लेन एशियन जियोरो ने की थी, जिसे आज मंचूरिया के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्रफल विस्तार के आधार पर दुनिया के सर्वाधिक बड़े साम्राज्यों में से एक था।
गाइस ओटेमन साम्राज्य को उस्मी साम्राज्य भी कहा जाता है। ये एक तुर्क साम्राज्य था। ये इतिहास के लंबे और पुराने साम्राज्यों में से एक था। इसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका तक माना जाता है। गाइस आपको इन बड़े साम्राज्यों के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।